एक एक ने दो लैंडस्लाइड जान छोड़ी थी, तीसरी फिर तैयार है। सारे बाइकर्स इकट्ठे हैं, वो उधर बुलडोजर लगा हुआ है, पीछे वो बसों की कतारें मौजूद हैं और सारे लोग इधर मौजूद हैं। मेरी बस हो गई, मेरे पाँव पर जख्म हो गए हैं। अच्छा जी, ये मेरी टांगों की हालत है, चिकड़ो चिकड़। ये मेरी बाइक की हालत है, चिकड़ो चिकड़। इस एंगल से आपको दिखाता हूँ, मेरी चेहरी सारी फिस गई है, सारी चेहरी फिस गई है। नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे भी दो तीन जगह पर लैंड स्लाइड हुई है, वो भी कोई बंदा क्लियर करने वाला नहीं है। एक सिंगल बंदा गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहाँ पर नहीं है जो कि कम से कम क्लियर कर रहा हो, साफ कर रहा हो। इसमें हम चले हेल्प करके तो हम अपना रास्ता तो साफ करें ना। अस्सलाम फ्रेंड्स, इट्स तौसीफ न्यू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफिया से होंगे। आज है मुझे स्कर्दू में सातवां दिन, और सातवें दिन मैंने निकलने लगा घर के लिए, लेकिन बाहर की जो हालत है ना बड़ी ख़तरनाक है। आज स्कर्दू में 90% प्रेसिपिटेशन की प्रडिक्शन है, यानी बारिश की प्रडिक्शन है, और ये सूरत हाल है स्कर्दू सिटी की। तो अल्लाह करे मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से। एकदम यहाँ से निकल गया ना, बारिश से बच गया तो फिर हैर है, लेकिन अगर बारिश में भीग गया तो बड़ा काम खराब है। जगलोट से लगा फिर हैर है, जगलोट पहुंच के चिल करेंगे। अच्छा जी, निकलने से पहले मैंने फुल पैकिंग कर ली है, रेनकोट पहन ली है, इसके ऊपर भी शापर दे ली है, चेरी का जो बॉक्स है उसके ऊपर भी शापर है, ट्यूब रख ली है, सब कुछ ओके है। तो एक्सपेक्टेड बारिश से पेशे नज़र मैंने खुद को बचा के रखा है। अल्लाह करे बारिश हो ही ना मेरे रास्ते में, पुरसकून तरीके से पहुँच जाऊँ। आप भी दुआ कीजिएगा, अभी मैं निकलने लगा। आज थी स्कर्दू में ईद गदीर, आज दिन है जुम्मा का। मुझे नहीं पता था कि ईद गदीर है, ईद गदीर पर पूरा स्कर्दू बंद होता है और बाइक वाली जितनी मैकेनिक वाली शॉप्स हैं मुकम्मल बंद। मुझे चेंज करवाना था इंजन ऑयल, अभी खुल जाएगा, ठीक है, शाम तक पूरा दुकान खुलेगा कल सुबह। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी निकलना था ना। अच्छा तो खुल जाती है, लेकिन देर से खुलती है, बहुत लेट, शाम सुबह सुबह या 10 बजे तक कोई नहीं खुलती। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह से इंजन ऑयल मिला है, वो चेंज करवा रहा हूँ। दूसरा पाना खोलो ना। मोहतरम, सीन्स कुछ ऐसे हुए हैं कि मैं खड़ा हूँ उस डस्टबिन के पास, बल्कि साइड पे हो जाते हैं, बाइक मेरी की ना ये हालत है, ये नीचे चेरी, ऊपर यह भूल गया था अपनी स्लीपिंग बैग, ये बड़ा बैग, ये बाकी सारा, और मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बारिश हो रही है। वो सामने आपको पहाड़ पर ना बादल नज़र आ रहे हैं, और इधर भी चेक करें ज़रा सूरत हाल। तो सूरत हाल बड़ी नाजुक है। स्कर्दू से जगलोट रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और रास्ते में ही शदीद बारिश शुरू हो गई। शदीद नहीं है इधर बारिश, उस तरह की शदीद नहीं होती, हल्की फुल्की होती है, लेकिन हल्की फुल्की बड़ी ख़तरनाक होती है, लैंड स्लाइडिंग का शदीद ख़तरा होता है। तो मुझे डर है कि मैं कहीं लैंड स्लाइडिंग के जद में ना आ जाऊँ, इतना ज़्यादा मुझे ख़तरा है। गाड़ियों वाले बहुत ज़्यादा इधर रुक गए हैं, नॉर्मली रुकता कोई भी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम देखें वो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो कोस्टर बड़ी खड़ी है, यानी जो ट्रैवल एजेंसी है वो भी रुक गए हैं, हर बंदा रुक गया है। तो बड़ा मामला जो है ना वो ख़राब है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मिलती है यखनी, तो मैं ना यखनी से ज़रा सैर होता हूँ। इतनी शदीद ठंड लग रही है, मैं कुछ पहना नहीं था, अगर मैं पहने तो फिर ठंड नहीं लग रही थी, और अभी कोट पहनूंगा तो साथ में अभी यखनी ऑर्डर करते हैं, वो पीऊँगा तो सुकून होगा, वरना सुकून नहीं होगा। शुक्रिया दें जी, यखनी आ गई है, यखनी नोश फरमाते हैं विद रोटी, ये रोश किस्म की डिश है। शायद आप इस चीज़ से वाकिफ़ ना हों कि स्कर्दू रोड के ऊपर बारिश में सफ़र करना ऐसे ही है कि आप मौत की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यानी किसी भी वक्त कोई भी पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा, और अगर वो आपको लग गया तो कोई चांस नहीं आपके बचने का, ख़ास तौर पर अगर आप बाइक पर हों। लेकिन मैं फिर भी ये बेवकूफ़ी की,
के थ्रू आउट स्कर्दू रोड के ऊपर 170 किलोमीटर का जो ट्रैक था ना उसका, मैं बारिश में ही बाइक चलाता रहा इस डर से कि आने वाले वक्त में मज़ीद बारिश की प्रिडिक्शन थी और अगर मैं रुकता हूँ तो हो सकता है मैं 2-3 दिन के लिए फंस जाऊँ स्कर्दू में ही। दैट्स वाई मैं चलता रहा की बेवकूफ़ी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। हालत आप मेरी देख सकते हैं, मेरे पीछे का व्यू भी आप देख सकते हैं, और जिस रोड पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका नाम है JSR जगलोड स्कर्दू रोड, जो ख़तरनाक तरीन रोड है पाकिस्तान की। उस पर वो भी बारिश में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, और एक तो जगह लैंडस्लाइडिंग हुई भी है। मैं रुका इसलिए नहीं था क्योंकि अगर मैं रुकता तो मेरा काम तमाम हो जाना था, या ना वो बंदा रुके ऊपर से पत्थर आया तो साहब ऊपर, तो इसलिए मैं रुका नहीं था। तो अभी मैं जा रहा हूँ जगलोड की तरफ स्कर्दू से, काफ़ी मैंने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है और कुछ डिस्टेंस रहता है, तकरीबन जगलोड पहुँचने वाला हूँ 39 किलोमीटर के बाद। तो इंशाल्लाह जगलोड पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा निकलूँगा बबसर टॉप की तरफ। बबसर टॉप से आगे इंशाल्लाह नारान को आज क्रॉस करना है, फिर स्टे करना है रात को इंशाल्लाह ताला। मैं पहुंच चुका हूं जगलोट, और जगलोट से थोड़ा सा आगे बुंजी जगह का नाम है, जगलोट की पार्ट है। बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, मौसम इंतहाई कमाल का है, ऊपर सूरज भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और आसमान भी मुझे नज़र आ रहा है इस साइड पे। लेकिन मसला ये है कि मैंने सुना है कुछ लोगों से कि आगे हो गई लैंडस्लाइडिंग, अगर वाकई में लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो मैं फंस गया हूँ समझ लें, बड़ा बुरा किस्म का। लेकिन चेक करता हूँ मैं जाके कि लैंडस्लाइडिंग हुई है कि नहीं हुई, अगर तो हुई है फिर तो बड़ा काम ख़राब है, और अगर नहीं हुई फिर तो बड़े आराम सुकून से इंशाल्लाह कम अज़ कम बाबू से टॉप ने मैं क्रॉस कर जाऊँगा। अभी बैठ के चाय पी थी क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगी थी बारिश में ना बड़ी शदीद, आज तक मैंने यखनी पी और इधर मैंने चाय पी, अब आके मेरी गर्मी नहीं सर्दी दूर हुई है, और अगर मैं ये ना करता यखनी ना पीता तो मेरी सर्दी दूर नहीं थी, यानी मेरा काम तमाम हो जाना था। तो इससे पहले के काम मजीद तमाम हो निकलते हैं आगे चिल्लास की तरफ। शापर को मैंने साइड पे कर दिया है, चेहरी की हालत तो पता नहीं अंदर से क्या है, लेकिन यह है कि मैंने कुछ सुराख कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पर ना, एक ये छोटा सा सुराख की है, एक ये सुराख की है, दो सुराख ये हैं, एक इधर सुराख की है, क्योंकि चेहरी को अगर हवा लगती रहे ना तो चेहरी बची रहती है, अगर हवा ना लगे तो चेहरी जाती रहती है। निकलते हैं, दिल तो है कि बालाकोट तक पहुँचो लेकिन मुश्किल है। ये नहीं कि आप अभी वहीं से जा रहे हैं, अभी पंजाब की तरफ जा रहे हैं? हाँ। पंजाब में कहाँ जाएंगे? लाहौर, गुजरात देखा है ना, गुजरात से मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, गुजरात से लेफ्ट आगे भिम्बर आता सीधा उधर, आगे रास्ता बंद है जी। यार सुना तो है मैंने लेकिन देखता हूँ जाके, वो भी चलो मैं व्लॉग में ऐड हो जाएगा ना कि लैंड स्लाइडिंग हुई है, क्या ख्याल है? पुलिस रोक रही है, पुलिस रोक रही है होटल है कि इधर आप नाइट स्टे कर लें, आगे भी जाके रुक रहे हैं, तो क्या। मैं निकल चुका हूँ जगलोड से चिल्लास की तरफ, यहाँ पर रोड आपको जितनी हसीन नज़र आ रही है ना इससे आगे इतनी ही गंदी नज़र आने वाली है, क्योंकि रास्ते में हो चुकी थी लैंडस्लाइडिंग, वो भी एक जगह पर नहीं कई जगहों पर। तो आगे जितना भी व्लॉग है उसमें आप मुझे उन लैंड स्लाइडिंग्स को क्रॉस करते हुए देखेंगे। यहाँ आते आते बारिश तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और बादल जो पहाड़ों से टकरा रहे थे इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ ड्राइव करने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाइक भी नहीं जा सकती? चांस है निकलने का? हाँ चलो लोग हेल्प कर देंगे। वो तेरी है यार, है भी मामला आपने है भी मामला तो ना लेके जाओ कुछ भी नहीं, जब असली पहले पार हो गया ओए ओए खतरनाक आदमी। अच्छा टोटली यह साइड पे लेफ्ट से मैं जाता ना रहूं?
अच्छा थोड़ा सा इधर वगैरह की गई भाई। अच्छा अच्छा जी, सीन्स ये हैं कि वही हुआ जिसका डर था, रास्ते में हुई पड़ी है लैंड स्लाइडिंग। बंद कर रही है किप्स वालों, ये नौजवान चेक करो, आप शायद पहचानते हो, ये जानते हो इसको। आप इधर इधर आए हैं। मैं ये बाइक चेक करो मेरी, किधर है गाड़ी वो पीछे। अच्छा तो मंडे कॉलेज तो आपको मंडे से लग रहे हैं ना? हम इधर ही हैं अभी, हम नहीं आ रहे अभी। हैं कौन कौन फैमिली? मैं अबुबकर शहरयार। किधर हैं वो शहरयार अबुबकर? अच्छा बहुत पीछे, और मामू साथ हमारे। गाड़ियां तो रुकी हुई थी यार उधर जगलोड़ तक भी। हाँ हम उधर नाश्ता किया, नाश्ता उधर कुछ लोग उधर ही रुक गए हैं। उधर ही हमने नाश्ता किया, तकरीबन एक बजे निकले हैं। अच्छा अच्छा, ये नौजवान हमारा स्टूडेंट है किप्स में, तो बड़ी बात है कि हम बड़ी अजीब सी अनोखी सी लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पर मिल गए हैं। अब ये पता नहीं किस चक्कर में जा रहे हैं, नहीं ये निकाल रहे हैं, इसने निकाला है, रेबो को निकाला है और फ्रेडो को निकाला है, फंसी हुई गाड़ी है। पैसे भी तो लेगा इसका ऐसे ही, गवर्नमेंट क्या? नहीं नहीं ऐसे ही प्राइवेट है। क्या बात है, तो अच्छी बात है। बाइक यार आ रहे हैं कुछ, है ना बाइक निकल रहे हैं वहाँ से, लेकिन मेरी 70 पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। 70 जाएगी? आप लोग कि वापस आ रहे हो? किधर गए? गए किधर थे यार? लैंड स्लाइडिंग तो शदीद है, अभी इधर से सामने से नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी सी जब आगे जाऊंगा ना मैं, तो उधर से नज़र आएगी लैंड स्लाइडिंग कितनी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि बाइक लेके जाऊं, अगर तो चली गई वेल एंड गुड, ना गई तो मेरे कीचड़ो कीचड़ होने वाला हूँ मैं शदीद किस्म। कैसे गया ना वो नहीं होने, शूज़ में उतार लूँ है ना, चप्पल पहन लूँ, चप्पल पहन लें कुछ ना पहनूँ पाँव पर कुछ लगना जाएगा, पैसे नहीं, कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं लगता। अच्छा जी, मैं शूज़ उतार के ना और लटका के तो फिर जाने लगूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। मैंने ये तैयारी कर ली है, शूज़ मैंने उतार दी हैं और बिस्मिल्लाह करके जाने लगूँ, अल्लाह करे बचत हो जाए। तो नौजवान को कहते हैं अल्लाह हाफिज़, इसका अगला एक हफ्ते का आने का इरादा कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो जाना है ना, मैं ना गया तो मेरी मेरी कितनी ज़्यादा लग रही है, ऐसे ही है ये पैसे देख बच जाते, हम बच नहीं सकते। तो ठीक है नौजवाना, ओके अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जो पहली मड स्लाइड आई हुई थी उसको क्रॉस करने की कोशिश की। ये स्लाइड छोटी थी तो मैंने ईजिली क्रॉस कर लिया, ईजी तो नहीं था लेकिन ये है कि मुझे कोई हर्डल पेश नहीं आई, कोई बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं थी, आराम से चलता हुआ ना मैं पार कर गया, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है। लेकिन इससे आगे दो बहुत ही बुरी किस्म की लैंडस्लाइड्स मेरा इंतज़ार कर रही थी, जहां ना सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया हुआ बल्कि मुझे ज़रा टेंशन भी हुई कि मैं हूँ तो अकेला, तो अकेला मैं कैसे क्रॉस करूँगा इनको, खुलने में तकरीबन 10-12 घंटे लगेंगे। लेकिन मेरे पास आई गैपी इमदाद, कैसे आई कहाँ से आई ये देखने के लिए आप पूरा ब्लॉग देखें जाए। बेवकूफ़ी की है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मुश्किल से ना एक जो पहली थी ना लैंड स्लाइडिंग वो पार कर ली है। ये बाइक की हालत है, ये शूज़ की हालत है, और ये भाई जान भी अभी क्रॉस करके आया हूँ नसीबी 150 पर, ये दूसरे भी जी। तो जिनमें हिम्मत होती है ना वो क्रॉस कर लेते हैं, वो चले गए हैं और अब मैं जाने लगूँ चिलास की तरफ। हालत तो बड़ी ख़राब है, ये चेक करें ज़रा, 4x4 के चांस है अगर ड्राइवर अच्छा हो। अच्छा जी,
अभी अभी मैं एक लैंड स्लाइडिंग पार करके आई हूँ, वो तो बड़ी ईजी थी, लेकिन आगे नई मुसीबत खड़ी है। वो जो नई मुसीबत है ना, उसकी हालत ये है जनाब, बड़े मामला ख़राब हैं। ये तकरीबन 3 बाइकर्स इधर खड़े हैं, चौथा मैं। अच्छा जी, मैं सिर्फ खड़ा हूँ तत्ता पानी कराकरम हाईवे के ऊपर, और आज सुबह बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है 2-3 जगह के ऊपर। ये 2-3 जगह है ना, एक जगह तो तकरीबन क्लियर हो गई है जगलोट के करीब, आगे भी 2-3 जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, वो भी कोई बंदा क्लियर करने वाला नहीं है। एक सिंगल बंदा गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहाँ पर नहीं है जो कि कम से कम क्लियर कर रहा हो, साफ कर रहा हो, इसमें हम चले हेल्प करके तो हम अपना रास्ता तो साफ करें ना। तो मोहतरम, मामलात बड़े डाडे वाले ख़राब हैं, बाइक फुल फंसर है, फुल। ये 150 सीसी है, फुल फंसर है, मैंने वो पीछे खड़ी की है, साथ में इंडस है। ये गारे की हालत है, ये गारा गारा निरा निरा कीचड़, वो जिसमें थंसता है बंदा, जिसे तुम समझ लगे दलदल है ये। तो अब बड़ा बुरा फंसो, मैं हूँ भी अकेला, चले अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं निकला था तो मैं अपने साथ जो लिया था ना दोस्त, वो खुदा को लिया था, तो मैं अकेला नहीं था, खुदा मेरे साथ था, अभी भी इंशाल्लाह खुदा मेरे साथ ही है, तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे यहाँ। और कोई है जी, सीन ये है कि इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, उसके बदले में कुछ भाइयों ने हेल्प की है मेरी, तो फिर जाकर मेरा कुछ, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई है ना, पीछे गाड़ियों की भी लाइनें हैं, मेरी गाड़ी वो फंसी हुई है उधर, लेकिन अल्लाह करे तो इंशाल्लाह निकली जाएगी। अच्छा जी, ये मेरी टांगों की हालत है, चिकड़ो चिकड़। ये मेरी बाइक की हालत है, चिकड़ो चिकड़। इस एंगल से आपको दिखाता हूँ, मेरी चेरी सारी फिस गई है, सारी चेरी फिस गई है, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से उस लैंडस्लाइड से गाड़ी निकाल ली है। मुझे पता नहीं मैंने बोलना क्या है, इतनी मुश्किल हुई है, मैंने सिर्फ मदद करने के तहत ना पत्थर जोड़ना शुरू किए, खुदा ने मेरी मदद की, मेरी सामने निकल गई, बाकी सारे उधर फंसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बाइकर्स, बड़े बड़े ग्रुप सारे उधर फंसे हुए, मैं अकेला आया हूँ अकेला, क्योंकि वो हेल्प खुदा की तरफ से आ गई मेरे लिए, सिर्फ अकेले के लिए। वजह यह थी कि मैंने रास्ता बनाने की कोशिश की थी, ज़्यादातर लख लख शुक्र है। एक एक ने 2 लैंड स्लाइडिंग से जान छोड़ी थी, तीसरी फिर तैयार है, सारे बाइकर्स इकट्ठे हैं, वो उधर बुलडोज़र लगा हुआ है, पीछे वो बसों की कतारें मौजूद हैं और सारे लोग इधर मौजूद हैं। मेरी बस होगी, मेरे पाँव पर जख्म हो गए हैं, एक जख्म आपको दिखाता भी, ये जख्म है एक, ये तो एडवेंचर कोई आसान चीज़ नहीं है, ये जलालत है, नीरी जलालत, जलालत का ही दूसरा नाम एडवेंचर होता है। और मेरे पाँव पे काफ़ी जगहों पे जख्म हो गए हैं, अब पता नहीं बनेगा क्या क्या नहीं। अभी मेरे टांगों की हालत ये है, चिकड़ जमा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है, और बाजू भी गंदे हैं। मेरी हालत आपके सामने है, और ये जो आगे जा रहे हैं ना, इनकी किस्मत में भी कुछ अच्छा नहीं लिखा। अब मैंने फैसला किया कि मैं पूरी रात ड्राइव करके ना पहुँचूँगा घर, हर सूरत। आज सुबह स्कर्दू से निकला था, पूरी रात मुझे ड्राइव करना पड़ा, मैं करूँगा, लेकिन मैं घर पहुँचूँगा, मेरा सब स्टे नहीं होता, मेरी चेरी भी ख़राब हो रही है, अब स्टे होती नहीं है ज़रा भी, अब बस ख़त्म। अच्छा जी, सीन्स ये बने हैं कि मैं आकर रुका हूँ गोनर फार्म में, बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवा रहा हूँ, इंजन ऑयल काफ़ी काला हो चुका हुआ है, क्योंकि जब मैं घर से निकला था ना, तो तब मैंने चेंज करवाया था इंजन ऑयल, और तब समझे स्कर्द में नहीं था मिला, क्योंकि स्कर्द में ईद गदीर थी, सब कुछ बंद था, अभी खुला है। दैट्स वाई गोनर फार्म में मुझे पता था पक्का मिल जाना सब कुछ। गोनर फार्म में 2-4 शॉप्स, बाइकर सारे इधर ही करवाते हैं इधर से मोस्टली। तो अभी इंजन ऑयल चेंज करवा रहा हूँ, चैन की हालत भी ख़राब है, वो भी ठीक करवाऊँगा, और कोशिश तो ये थी मेरी बाबू से टॉप क्रॉस करूँ सारी रात, लेकिन बाबू से टॉप बंद हो जाता है, जब बंद हो गया तो फिर जा ही नहीं सकते आगे से, चेक पोस्ट है, तो डेट्स वाई हो सकता है मैं चिल्लास रुकूँ आज।